हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जो कि इंडिया और म्यांमार के बीच में बनने वाला एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। और ये कैसे इंडिया की इकोनॉमी को हेल्प करेगा, कैसे इंडिया और म्यांमार के बीच में जो रिलेशंस है उनको इम्प्रूव करेगा। ये ऑलरेडी बन चुका है, मैं बोल दूंगा 90% इसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 10% बचा हुआ है और वो 10% भी ये साल के एंड तक बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो आपको नीचे आंग सान सू की दिख रही है, ये फिलहाल डिटेंशन में है क्योंकि वहाँ की जो मिलिट्री है उसने कू कर दिया, तख्ता पलट कर दिया म्यांमार में, बिकॉज देवर सिंह की जो 2020 में इलेक्शन हुए उसमें धांधली हुई है, और इस चक्कर में इनको पावर से आउट कर दिया गया और फिलहाल वहाँ पे मिलिट्री जनरल्स राज कर रहे। तो ये पूरा प्रोजेक्ट खबर में क्यों है, और इसका जो अभी कू है म्यांमार में क्या उसका कोई इफेक्ट होगा इस प्रोजेक्ट पे, हम जानेंगे आज के वीडियो में। पूरी डिटेल मिलेगी आपको आज इस वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए इंटेलिजेंस क्वेश्चन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये कहाँ से कहाँ के बीच में बनने वाला था क्या, बन चुका है, और इसमें जो की लोकेशंस हैं मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली लोकेशन है कोलकाता। देखिए कोलकाता में जो कोलकाता का पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट के नाम से हम जानते हैं उसे, तो जो कोलकाता पोर्ट है वेस्ट बंगाल में, वहाँ से लेके म्यांमार के सितवे पोर्ट तक, मेनली सितवे पोर्ट बोल रहे हैं हम क्योंकि इट इज़ ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ म्यांमार, और ये जो पूरा वाटर लिंक होगा ये एक्सटेंड करेगा पलेटवा तक। अब पलेटवा तक हम इसको क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है क्योंकि हम यहाँ से लेके मीन्स जो इंडिया का कोलकाता पोर्ट है वहाँ से लेके सेतुवे पोर्ट तक तो जो हैवी हैवी वेसल्स हैं वो उसे लेके जाएंगे, बट आफ्टर द सेतुवे पोर्ट इनलैंड वाटरवे के थ्रू एक जेटी इसको पलेतवा तक लेके जाएगी। तो फ्रॉम कोलकाता पोर्ट टिल सेतुवे इट विल बी ऑन हैवी वेसल्स, एंड फ्रॉम सेतुवे टिल पलेतवा इट विल बी इन द इंटरनल वाटर वाटरवे सिस्टम विच इज़ डेवलप्ड बाय म्यांमार एंड ऑल्सो हेल्प बाय इंडिया। तो जो ये आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है ये पूरा वाटर के थ्रू होगा, और ये जो आपको रेड पार्ट दिख रहा है ना पलेतवा से लेके आइजावाल तक, यहाँ बीच में जोरिनपुई बॉर्डर है, और यहाँ पूरा 100 किलोमीटर का यहाँ और 62 किलोमीटर्स यानी टोटल 162 किलोमीटर्स का 2 लेन हाईवे बनाना है बिटवीन पलेतवा एंड आइजावाल। ये पूरा क्यों बन रहा है, ताकि हम अपनी ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर जो अपनी डिपेंडेंस है इसे कम कर सके, और यहाँ पे जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर सके थ्रू दिस रूट, और हम बेटर एक्सेस ले सके अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का। अब यहाँ पे जो 7 सिस्टर स्टेट्स है ये बहुत ही ज़्यादा कम डेवलप्ड है, इनका एक रीज़न कनेक्टिविटी भी है। हम आज तक अपने जो की स्टेट्स हैं उनको कनेक्ट नहीं कर पाए हैं थ्रू रेलवेज। आज भी जो हमारी इंडियन रेलवेज़ है वो असम तक जाती है, अरुणाचल प्रदेश तक जाती है, एंड मे बी शायद यहाँ त्रिपुरा अगरतला तक जाती है, बट आइजावाल तक अभी बनने में वो शायद ये साल या बाय द एंड ऑफ 2021 इट विल बी रेडी। तो हम देख सकते हैं इतना ज़्यादा डेवलपमेंट इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं। तो उसी कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए और यहाँ की हमारे नॉर्थ ईस्ट की प्रोग्रेस के लिए हम ये पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी वैल्यूएशन के बारे में जान लेते हैं। सो द होल कलादान मल्टी मॉडल रोड ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इज़ वर्थ अबाउट 1600 to 3000 करोड़ रुपीज़, विच इज़ अराउंड $484 million to $500 million। और ये पूरा जो मैंने आपको बताया कोलकाता पोर्ट से लेके सेतुवे पोर्ट एंड देन आफ्टर सेतुवे पोर्ट वहाँ तक कनेक्ट करेगा। कैसे कनेक्ट करेगा वो भी मैंने आपको बताया कि कोलकाता पोर्ट से लेके सेतुवे पोर्ट तक हैवी वेसल्स आएंगी, सेतुवे पोर्ट के आगे इनलैंड वाटर वे के थ्रू जाएगा। नाउ म्यांमार के अंदर जो पलेतवा और सेतुवे पोर्ट के बीच में जो लिंक है, मतलब ये जो पूरा एरिया पड़ता है ये उनके चिन स्टेट में पड़ता है, जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स है वैसे ही वहाँ की जो स्टेट्स हैं उनमें से एक स्टेट चिन स्टेट में पड़ता है। अब ई से चाइना से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि जो उनका चिन स्टेट है वहाँ पे चिन पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, विच आर सिमिलर टू द पॉपुलेशन लिविंग इन त्रिपुरा।
ओके तो इसलिए उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कल्चरल एक्सचेंज है, काफ़ी ज़्यादा कल्चरल सिमिलैरिटीज़ है, इसलिए हम उनको सिमिलर बोल रहे हैं. एंड दे वर डिफ्रेंशिएटेड बिकॉज ऑफ द लाइन विच वॉज रिटर्न ऑफ बाय द ब्रिटिशर्स. मतलब जो ब्रिटिश थे उन्होंने उनको बॉर्डर बनाने का बहुत वो था, तो उन्होंने बना दिया बीच से बॉर्डर. उसकी वजह से कई सारे जो अपनी पॉपुलेशन थी वो अलग अलग हो गई. मतलब एक कम्युनिटी के बीच से ही उन्होंने बॉर्डर बना दिया इंडिया और म्यांमार का. नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं उसकी में क्या क्या इंक्लूडेड है. तो सबसे पहले 539 किलोमीटर्स और 335 माइल्स ऑफ शिपिंग रूट फ्रॉम सी पोर्ट ऑफ कलकत्ता इन इंडिया टू सितवे पोर्ट, वो मैंने आपको बताया, इन म्यांमार वाया बे ऑफ बंगाल. सेकेंड है पोर्ट अपग्रेड टू हैंडल 20,000 वेसल्स फ्रॉम यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया है, पोर्ट अपग्रेड टू हैंडल 40,000 टन वेसल्स फ्रॉम प्रीवियस कैपेसिटी ऑफ 20,000 टन. ओके तो ये होना चाहिए. और उसके बाद 158 किलोमीटर का जो इनलैंड वाटरवे है, रूट है फ्रॉम सितवे पोर्ट टू पलेतवा फ्रॉम अ जेटी, वो भी मैंने आपको बताया. और साथ में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी हम डेवलप करेंगे विच वी विल गिव टू द म्यांमार गवर्नमेंट एज अ जेस्चर ऑफ ऑनर, एज अ जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप, ताकि हम उनको थैंक कर सके एक वे में जो वो हमारी हेल्प कर रहे हैं ये पूरा प्रोजेक्ट डेवलप करने में. हम 6 बराजेस भी बनाने वाले 300 टन कैपेसिटी के इन म्यांमार. उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया म्यांमार की गवर्नमेंट को एज यूजुअल हैंड ओवर करेगी और वो उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे और ये हम पूरा फ्री में बना के देंगे उनको, क्योंकि अब वो हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं तो हमारा भी कुछ ना कुछ हेल्प करना बनता है उनके. नेक्स्ट 6,000 करोड़ रुपीज़ विल बी स्पेंट टू मेक द जोचावचुआ जोरीनपुरी एंड ऐजावाल नेशनल हाईवे, ये इंडिया में बनेगा. जस्ट बताने के लिए बोल रहा हूँ कि ये इंडिया में बनेगा, वहाँ के इंटरनल कनेक्टिविटी को और ऐजावाल तक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन को मेंटेन करने के लिए फ्रॉम द 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ताकि इन द फ्यूचर जब ये पूरा इकोनॉमिक जोन टू बी प्रिसाइज बन जाए, ये पूरा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जब बन जाए, तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उसका जो डेवलपमेंट रुका हुआ है बिकॉज ऑफ लेस कनेक्टिविटी विद द होल वर्ल्ड, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वजह से वो ना हो, एंड इट विल बी एबल टू एक्सपोर्ट इट्स मटेरियल टू द आसियान नेशन विच इज़ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि म्यांमार इज ऑल्सो अ मेम्बर ऑफ आसियान एंड आसियान हैव फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद इन देमसेल्फ, सो ईजीली हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो एक्सपोज हो जाएगा टू द आसियान और वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा पाएगा, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोइंग ऑफ GDP ऑफ दी 7 सिस्टर स्टेट्स एंड ऑल्सो द होल ऑफ इंडिया. नाउ इंडिया एक सितवे स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बना रहा है एट पोनाग्यून टाउन विच इज 60 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द सितवे अपस्ट्रीम. ओके और ये पूरा 1,000 एकर्स में पूरा बनाया जाएगा. और ये जो बराजेस एंड दिस विल बी डन इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ताकि म्यांमार का थोड़ा डेवलपमेंट हो. और ये 6 बराजेस के बारे में मैंने आपको बताया हुआ. नेक्स्ट जो रेल प्रोजेक्ट यहाँ पे मैंने आपको दिए हुए आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा. यहाँ पे इतने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब है बट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इनको इसके बीच में डिस्कस करें. तो ये 4 दिए हुए, इसमें एक यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जो म्यांमार और चाइना के बीच में क्यापू मिनबू और कोनमिंग रेल हाई स्पीड रेलवे प्लान किया जा रहा था उसे ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि म्यांमार की गवर्नमेंट को डर है कि चाइना उनको उनके डेट ट्रैप में फंसा लेगा. मिनबू लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ सो सॉरी नॉट इंडिया, म्यांमार एंड चाइना. बाकी के इंडिया और म्यांमार के बीच में बनने वाले प्रोजेक्ट्स है और कुछ नॉर्थ म्यांमार एंड साउथ म्यांमार को कनेक्ट करने के लिए भी प्रोजेक्ट है उनके इंटरनल डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट तो हम इसके कंक्लूजन पे क्या आते हैं कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये इंडिया और म्यांमार के बायलैटरल ट्रेड को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगा. जो अभी उनका 2 या 3 बिलियन डॉलर का ट्रेड है इसको वो शायद 5 बिलियन डॉलर या 7 बिलियन डॉलर तक ले जा सके, और मतलब आप समझ रहे हो ना, 200 to 300% इंक्रीज दे सके, और साथ में जो इंडिया के 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनका भी एक्सपोर्ट बढ़ा सके, और हम जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर अपना डिपेंडेंस कम कर सके, वहाँ से ट्रैफिक कम कर सके. और इन केस अगर कभी भी फ्यूचर में सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे चाइना का कब्जा हो जाता है तो भी हमारे हम जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो इंडिया से अलग नहीं हो, वहाँ पे कनेक्टिविटी मेंटेन रहे और कभी भी ऐसा नहीं लगे कि इट इज़ नॉट द इटरनल पार्ट ऑफ इंडिया.
यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स का 16 फरवरी का आर्टिकल है, जिसमें उन्होंने, मतलब आज का ये, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि उस जितने भी वो 10% प्रोजेक्ट्स बचे हुए हैं ना म्यांमार में, वो उन्हें कंप्लीट करो जितनी जल्दी हो सकता है। एंड हमारे एस जयशंकर साहब ने भी बोला कि होप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आर नॉट अफेक्टेड इन म्यांमार ड्यू टू द कू, जो वहाँ पे तख्तापलट हुआ है उसकी वजह से। नाउ मैं आपको बता दूँ ये पूरा खबर में क्यों आया, क्योंकि अभी अभी खबर आई है कि वहाँ की जो आर्मी है उन्होंने बोला है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, इट विल कंटिन्यू टू फंक्शन एज इट वॉज फंक्शनिंग बिफोर द कू, और इसमें इंडिया को कोई भी लॉस नहीं होने वाला, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट टू बी मेड। एंड एक और बात कि जो 10% प्रोजेक्ट्स बचे हुए थे उन्हें भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। नाउ फाइनली हम आते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे में, इसमें है कि जो अभी तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे टिल डेट इन इंडिया, उनमें से सबसे फेमस प्राइम मिनिस्टर, सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड प्राइम मिनिस्टर कौन सा था। तो आपके सामने ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, सेकंड इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, थर्ड इज प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, या फोर्थ प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। इनमें से कौन सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड प्राइम मिनिस्टर, कौन सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड, सबसे ज़्यादा फॉलोड प्राइम मिनिस्टर है आज तक की इंडिया की हिस्ट्री में, इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में टू बी प्रिसाइज, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना। तो दैट इज इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय।